बैंक कर्मचारी आज से हड़ताल पर, सरकार के निजीकरण के विरोध में उतरे कर्मचारी। सरकार की बैंकिंग नीतियों और अर्थव्यवस्था को लेकर अगले बजट में प्रस्तावित सुधारों को बैंकिंग सेक्टर में विरोध शुरू हो गया है और बैंक ऑफिसर्स और कर्मचारी यूनियंस गुरुवार से दो दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने के संजय वर्मा ने बताया कि इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की 4000 से भी अधिक शाखाओं में कार्यरत 25,000 अधिकारी व कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार संसद में मौजूदा सत्र के बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को लेकर आ रही है और इस विधेयक में भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बैंक कर्मी और अधिकारी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ लामबंद होकर 16 और 17 दिसंबर को दो दिन की देशव्यापी हड़ताल करेंगे। आज जो है पूरे देश के सभी सरकारी बैंकों की यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तले हड़ताल है, जिसमें बैंक के हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। बैंक जनता की संपत्ति है, सरकार इसे बेच रही है, इस पे हमें आपत्ति है। तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल दो दिवसीय हड़ताल है। आज हड़ताल सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, ये हड़ताल कल भी जारी रहेगी। इसमें सारी नेशनलाइज बैंकें शामिल हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी बैंकें इसमें शामिल हैं। इंडियन बैंक इसमें शामिल है। हमारे साथ यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। हमारे बगल में राजेंद्र शर्मा जी यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष भी यहाँ पे खड़े हैं और सारे बैंक कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं। आज जो बैंक कर्मचारियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और देश की जनता के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी, यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हम जा सकते हैं।